मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की औरतें, बच्चे जो वहां पर होने वाले राइट्स और वायलेंस के सबसे ज्यादा बड़े विक्टिम हैं। एवरी डे वी आर फाइटिंग फॉर आवर लाइफ, वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल, एंड आई डोंट थिंक द चीफ मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ मणिपुर। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंदर, अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर पिछले दो महीने से अधिक से जो हिंसा जारी है मणिपुर में उसको लेकर प्रदर्शन था। लेकिन खास तौर पे बीते दिनों जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहा है जो दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस तरह से परेड निकाली जा रही है उससे लोगों में काफ़ी गुस्सा है। इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में भी जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र, नौजवान के अलावा सभ्य समाज से जुड़े कई लोग, संगठन शामिल हुए। इसके साथ साथ मणिपुर में जो रहने वाले दिल्ली में हैं वो लोग भी शामिल हुए। इनका सबसे बड़ी मांग है जो राज्य में हिंसा जारी है उसे किसी भी शर्त पे रोका जाए और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिले और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। पिछले 80 दिन से लगातार हिंसा का घटना घट रहा है मणिपुर में, जहाँ पर एक शांतिपूर्ण स्टेट था वहाँ पर बीजेपी का डबल इंजिन जो सरकार है उन्होंने जाति उपजाति के बीच जो लड़ाई शुरू कर दिया उसके चलते हुए बहुत सारे लोगों का प्राण नाश हुआ है, घर जल गया है, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गया है स्टूडेंट्स का। और इस हालत में हम लोग देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। देयर इज अ ह्यूज पोलराइजेशन बिटवीन इन द पुलिस सेक्टर, पीपल आर डिवाइडेड। आई मीन इफ यू लुक एट द रिसेंट वायरल वीडियो, वी हैव come to know that those two victims have already filed a police complaint, so there was nothing done. And after the video got viral, the police started taking action. So it's, what does it show? It shows that police will act only if the world is watching. We are deeply saddened and disturbed by the incident that that happened on 4th May. And it is the shame on Chief Minister CM Biren Singh and the Modi government, because after 70 days the video was viral and it was brought up into the social media and all the people are aware of that, and now CM Biren put up to his act that he is going to punish the culprit with a capital punishment and all. आज हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, एक स्टेटमेंट इशू करते हैं, लेकिन दो महीने से जब आपके हजारों बेटियों के साथ, हजारों महिलाओं के साथ ऐसी वारदातें खुलेआम हो रही थी तो वो क्या कर रहे थे? क्या वो प्यार इन पैरिस कर रहे थे, मैक्रोनी विद मैक्रोन कर रहे थे? और यहाँ पर जब अपने भारत के अंदर, हमारे अपने बैकयार्ड में हमारे अपनी जनता इस तरह से जल रही है, सह रही है, सफर कर रही है, तो आप एक आप तमाशबीन बने हुए हैं, ऐसी हमारी सरकारें। वी हैव टू सी कि आने वाले दिनों में क्या सब्सटेंसिव स्टेप्स लिया जाए। और ये शर्म माने के बारे, इतना वायलेंस हुआ है, 100 लोग, मोर देन 150 पीपल्स हैव डाइड, यू नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, लाख्स ऑफ पीपल हैव इन दिस प्लेस, 10,000 अराउंड 10,000 हाउसेस हैज बीन बर्न डाउन, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिमेन कंप्लीटली एपैथेटिक। दैट मींस आई डोंट नो व्हाट शुड आई एक्सप्रेस, लाइक देयर शुड बी वेरी सिंपल ऑफ व्हाट इज व्हाट हैव दे डन टू दिस सोसाइटी। हम लोग जो देख रहे हैं सरकार को 79 दिन के बाद ये जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने दो बातें रखे हुआ मणिपुर के ऊपर, ये हम लोग देख रहे हो कितना सीरियस है। वो तो कहाँ पर दुनिया में क्या अजरबैजान से लेकर मंगोलिया में क्या हो रहा है उसमें ट्वीट करता है, लेकिन जहाँ पर उनका डबल इंजन सरकार है वहाँ पर भी एक भी बात नहीं किया। और जब मुँह खोला है वो उन मणिपुर के लिए नहीं, पूरे देश के जो को शर्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन खुद शर्म नहीं आ रही। अमित शाह, मोदी और वहाँ के सीएम जिस तरह से इस्तीफा देना चाहिए उस इस्तीफा देने के बजाय खुले तौर पर बेशर्मी की तरह टीवी पर ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं 100 घटनाएं हो रही हैं। और इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी महिला कल्याण मंत्री की जिस तरह की बयान आए हैं, जिस तरह के उनके बयान आए हैं, निश्चित तौर पर वो खेदजनक हैं। इस घटना की तो कड़े शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए, दोषियों को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार, उसमें दोनों सरकार, केंद्र सरकार भी
और राज्य सरकार भी एक कटघरे के दायरे में आते हैं कि वो क्या कर रहे थे। दो महीने बीतने के बावजूद इतनी घिनौने घटना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये सच में इस देश के लिए, इस कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और निश्चित तौर पे हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें और वहाँ पर शांति स्थापना के लिए, ये जो कि ज़रूरी भी है, इसके अलावा महिला कल्याण मंत्री वहाँ जाएं, प्रधानमंत्री वहाँ जाएं और जितनी जल्दी हो सके मणिपुर के अंदर शांति का माहौल बने। और ये जो आपसी द्वेष पैदा हो रहा है, ये जो नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है, इसको ख़त्म करने के लिए काम करें।